हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अड्डा 247। तो आज जो है हम लोगों ने 3 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है अड्डा 247 के साथ आप सभी लोगों के प्यार के वजह से। और इस सेशन को जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके साथ सेकंड पार्ट ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यूज आज होगा, काफ़ी समय पहले से शेड्यूल आपको मिल चुका था तो बिल्कुल क्लास लेने के लिए भी हम यहाँ पर आ गए हैं आप सभी लोगों के साथ। बायोलॉजी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए भी हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ऑसम सेशन को। डू नॉट फॉरगेट कि कल इसका पार्ट वन था। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन सिंस पास्ट 15 डेज। 15 दिनों से लगातार ये सेशन चलता आ रहा है। आज 15th डे है और कल इसका 16th डे है। ठीक है, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जानवी, एम इस गुड, जयंत, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को आंसर करते जाना है। मैं टॉपिक्स को फिर से लिखती जाऊंगी। कल भी मैंने टॉपिक्स को लिखा था और आज भी यहाँ पे फिर से एक बार मैं टॉपिक्स को आपके साथ लिखती जाऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ बोर्ड पे। कल इस क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोगों को छोड़ा था कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत से लोगों ने आंसर्स दिए हैं। What is the correct answer to this question? Which of the following functions is not performed by the kidneys? तो पहले 2015 के RRB JEE के पेपर को कंप्लीट करेंगे और फिर करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज के इस सेशन में। और आज रात को 11 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, कल सुबह 5 बजे तक करेंगे या फिर 6 बजे तक करेंगे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ दी ऑल नाइट क्लासेस। तो 6 घंटे लगातार यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द किडनी? तो हमें यह जानना पड़ेगा कि किडनी क्या क्या काम करता है। यूरिया को बॉडी से रिमूव करता है, ये तो बिल्कुल करता है, कल बात किया था। रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, तो किडनी जो है ओवरऑल बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है, ओवरऑल बॉडी का फ्लूइड बैलेंस जिसमें कि वाटर बैलेंस भी आता है कि नहीं, तो इस काम को भी करता है। सी, रीअब्सॉर्बिंग एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। तो जो भी यूरिया को अलग करना है उस यूरिया को तो इसने अलग कर दिया, जो बाकी बच गया उसको रीअब्सॉर्ब करता है कि नहीं, करना ही पड़ेगा। एक्सक्रीटिंग एक्सेस हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन द ब्लड, जो एक्सेस हॉर्मोन, जरूरत से ज़्यादा जितना भी हॉर्मोन रह जाता है शरीर में उसको भी एक्सक्रीट करता है, तो इस काम को किडनी नहीं करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा काम है जो किडनी नहीं करता है? डी, वेरी गुड। तो कल जितने लोगों ने भी आंसर डी यहाँ पे लिखा था उन सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, तो स्क्रीन पर दिखा दीजिए सही आंसर और फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डी जितने लोगों ने भी लिखा था सही था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्पर्म इज टू एग, जिस तरीके से एग को फर्टिलाइज करने वाला कौन होता है? एग को फर्टिलाइज करने वाला होता है आपका स्पर्म। उसी तरीके से कल का जो क्वेश्चन था ओव्यूल के वजह से, तो ओव्यूल के जैसा या फिर ओवरी को फर्टिलाइज करने वाला, प्लांट के केस में ये फर्टिलाइज करने का काम कौन करता है? दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अभी फ्रेंड्स के साथ। सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहाँ पे भी आप लोग एसोसिएटेड हो, प्लीज़ शेयर दी सेशन वन। सभी लोगों को एक बार सेशन शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए, ओके? चलिए, मैंने भी यहाँ पे शेयर कर दिया है सबके साथ और आप भी सेशन को सबके साथ यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ओके? फाइन, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्पर्म इज टू एग, जिस तरीके से एग के लिए स्पर्म है उसी तरीके से प्लांट्स के केस में ओव्यूल के लिए इसके ऊपर कौन आके गिरता है? पोलन ग्रेन्स। देखा था कल भी यहाँ से एक टॉपिक से क्वेश्चन आया था और आज भी सेम 2015 के RRB JEE का क्वेश्चन, ओके? सिंपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्क्रीन पे दिखा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोलन ग्रेन इज टू ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ द करेक्ट इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का सही सीक्वेंस क्या है? अब आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले लाइफ जो है वो पानी से ऑरिजिनेट हुआ था, सो लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, या सो इट स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, तो फिश सबसे पहले आया होगा, यस। अब यस्टरडेज क्लास आई टोल्ड यू
दैट लिंक होता है, जैसे वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है, उसी तरीके से जो एम्फीबियंस होते हैं ना, दिस एम्फीबियंस दे आर द लिंक बिटवीन ये पानी में रहने वाले और ये लैंड में रहने वाले, बिकॉज एम्फीबियंस जो है वो वाटर और लैंड दोनों में ही मूव कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रॉग, फॉर एग्जाम्पल सम सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अदर इंसेक्ट्स और यू कैन से रेप्टाइल्स विच कैन सस्टेन इन बोथ, राइट. एक स्पेशल फिश है, यहाँ नॉर्थ में तो थोड़ा कम मिलता है बट नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो मिलता है, काओई मास, दैट इज अ फिश बट इट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टे इन लैंड फॉर क्वाइट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर टू द अदर फिशेज, राइट. तो ऐसे कुछ सर्टेन स्पीसीज है बट अदरवाइज एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स क्या है, वो तो लैंड में कंफर्टेबली मूव करते हैं और पानी में भी बहुत तेज वो लोग भाग सकते हैं, ठीक है. बर्ड्स पूरी तरीके से लैंड में आ गए, और फाइनली जो मोस्ट डेवलप्ड है, जो सबसे लेटेस्ट इवॉल्व हुआ होगा, वो कौन होगा, वो मैमल्स होंगे. तो इसका सही सीक्वेंस क्या लग रहा है बताइए. ऑल क्लास इन प्लेलिस्ट विनोद, ओके ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, आप खुद से भी अगर वीडियो सिर्फ लाइक कर देते हो ना तो भी वो आपके पास सजेशंस में हमेशा दिखता है, ठीक है. तो सी, वेरी गुड रामकृष्णा, जितने लोगों ने भी यहाँ पे सी लिखा है दैट इज योर करेक्ट आंसर. अच्छा एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए भी कुछ लोगों ने लिखा है, लेकिन ए में क्या दिक्कत है, ए में देखिए बर्ड्स पहले है फिर रेप्टाइल्स है, लेकिन रेप्टाइल्स पहले आए है ना, पानी से बाहर निकल के पहले रेप्टाइल्स आए फिर विंग्स लगा फिर वो बर्ड्स बने. तो आपका सी इज द मोस्ट करेक्ट है ना. आंसर देख लेते हैं आंसर क्या है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज योर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर, प्लांट में वो कौन सा ऑर्गन होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है. हमें पता है कि लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है. ग्रीन लीव्स ओनली, हाँ ग्रीन लीव्स भी करता है, ग्रीन लीव्स ही करता है एक्चुअली. ग्रीन लीव्स इन एनी प्लांट एंड स्टेम इन कैक्टाई, रूट्स तो नहीं करता है. देखिए जो वैसे तो आपका यहाँ पे बी भी सही है सी भी सही है, लेकिन सी में स्पेसिफिकली एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है दैट कैक्टस में जो आपको पत्ते जैसा दिखता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्टेम होता है ना. और इसमें जो आपको थॉर्न्स जैसे दिखते हैं, कांटे जैसे दिखते हैं, वो एक्चुअल में लीफ होता है. इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे रीज़न ये है कि आपको ये पता हो कि कैक्टस में स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि उसका सरफेस जो है वो फैला हुआ है, वो लीफ के जैसा है, ठीक है. तो ये भी RRBJ 2015 के क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा गया था, क्योंकि हमने कल भी देखा था बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दो, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ, सी हुआ ना. तो आंसर क्या होगा, सी होगा. ये क्लियर है सबको, ठीक है. बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों होगा. और ऐसे क्वेश्चन हमने कल के सेशन में भी देखा था, RRBJ ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, राइट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है. द डिजीज थैलेसीमिया वेर इन अ पर्सन इज अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन, यहाँ पे वीडियो रुक गया है क्या, वीडियो चल रहा है ना सही से. द पर्सन थैलेसीमिया वेर इन अ पर्सन इज अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन इज अ, यहाँ पे वीडियो रुक गया है शायद से, एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए प्लीज. ओके साउंड इज क्लियर, साउंड ठीक है, साउंड ठीक है. ठीक है, साउंड इज ओके और नॉट मेरे को कमेंट करके बताइए यहाँ पे. ओके चलिए, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो दिख रहा है. द डिजीज थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है बेसिकली, जब किसी इंसान को थैलेसीमिया होता है तो वो एक जेनेटिक डिजीज होता है, ठीक है. वो एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में आगे बढ़ जाता है, और ये एक ब्लड का डिजीज होता है. जैसे नॉर्मल इंसान का जो ब्लड सेल्स होगा वो पूरा रेड कलर का होगा, थैलेसीमिया वाले इंसान का जो ब्लड सेल्स होगा उसमें हीमोग्लोबिन बनाने का कैपेसिटी नहीं होता है, एंड दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, डायबिटीज ठीक है, लाइफस्टाइल इन्फेक्शियस जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज हो सकता है, थैलेसीमिया इज अ, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटरी है, एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन को हो सकता है, ये आप इनहेरिट करते हो,
राइट, और इसमें रेड ब्लड सेल्स बनाने की कैपेसिटी जो है, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स तो होंगे बट उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट वो कुछ वाइटिश दिखाई देगा, लाइट रेड कलर का दिखाई देगा, नॉट रेड कम्प्लीटली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, सी, जितने लोगों ने भी लिखा है बिल्कुल सही है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉग बाइट्स कैन कॉज रेबिस, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन ऑल्सो कॉज रेबिस। जिस तरीके से कुत्ते के काटने से रेबिस हो सकता है, इनमें से कौन सा जानवर है जिसके काटने से भी रेबिस हो सकता है? डोंकी, बैट, हॉर्स या फिर क्रोकोडाइल? इसमें से कौन सा जानवर है जो डॉग के तरह ही काटने से रेबिस हो सकता है? एक इसमें से ये जानवर है जिसको लोग बहुत डरते हैं उससे, आप देखिए इसमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा डरावना लग रहा है। क्रोकोडाइल तो सीधे दांत से काट रहा है ना, नॉट अ बिग डील, बट दो बैट्स कैन अपीयर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा दिख सकता है बट इट इज़ पॉइजनस, और बैट्स के काटने से जो है इंसान को रेबिस हो सकता है, राइट, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड डेंजरस एज वेल। तो जितने लोगों ने भी बैट लिखा है, सी लिखा है, दैट इज़ द करेक्ट। अभिषेक कुमार, सी जो कि हॉर्स है उसके काटने से नहीं होता है, बट हॉर्स का जो डंग होता है ना, दैट कैन बी इन्फेक्शियस। हॉर्स का डंग जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, क्रोकोडाइल के काटने से तो फिर इंसान बाय बाय ही हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज इट हैज़ रियल शार्प टीथ और वो नेल तक डाइजेस्ट कर सकता है क्रोकोडाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लावर बट, अ फ्लावर बट विच इज यूज एज स्पाइस इज ऑप्टेन फ्रॉम। प्लीज नोट डाउन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू इन RRB JEE। कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जिसमें आपको इन डेप्थ बायोलॉजी आना हो, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाइफ साइंसेस में, डे टू डे लाइफ में, वॉट एवर यू आर सीइंग अराउंड यू, हर दिन के ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपको आपके आसपास दिख रहा है, वहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ नोट दिस थिंग, है ना। तो आप सभी लोगों ने सिनेमन, यानी कि क्या, सिनेमन पाउडर, सिनेमन कॉफ़ी, सिनेमन दालचीनी का पाउडर, सिनेमम यूज़ किया है, देखा है। कौन सा बायोलॉजी इसमें? कार्डमम, कार्डमम क्या है? इलायची, चाय में डालते हो। क्लोव क्या है? क्लोव इस तरीके से दिखता है ना, लॉन्ग, उसको हम कहते हैं क्लोव। कोरिएंडर क्या है? धनिया, ठीक है। अब क्लोव जो है वो एक्चुअल में फ्लावर का बड है, बस यही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी है ना, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन RRB JEE, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो। वर्मा, यहाँ पे प्रहलाद वर्मा, नो नीड ऑफ स्किप, दिस इज ईजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा अगर बार्क किसका यूज़ किया, ये पूछा ना, जिस तरीके से इसमें बड किसका यूज़ किया तो क्लोव हो गया। अगर बार्क यानी कि जो आउटर कवर होता है पेड़ का, वो किस में यूज़ किया, तब आपका आंसर क्या हो जाता है? सिनेमन, दालचीनी इज एक्चुअली अ बार्क ऑफ द ट्री। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, वैसे तो इसको हम प्लांट हॉर्मोन के अंदर पढ़ते हैं, बट अदरवाइज भी आप मुझे एक बात बताओ, जो फलों को पकाने के लिए गैस दिया जाता है, कहते हैं ना गैस दे के इस आम को पकाया गया है, तो इस आम को पकाने के लिए जो गैस दिया गया है वो कौन सा है? ईथर है, एमोनिया है, एसिटिलीन है या फिर इथिलीन है? कॉमन डे टू डे क्वेश्चन है ये, राइट। इसमें कोई बहुत बड़ा आपको हॉर्मोन्स में से नहीं पूछ दिया है, कॉमन, राइट। सो आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर राइटिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसिटिलीन, एंड सम ऑफ यू आर राइटिंग ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथिलीन, है ना। तो बोर्ड पे दिखा दिया जाए सही आंसर, और जितने लोगों ने भी यहाँ पे सी डी दोनों बराबर से आ रहे हैं, एसिटिलीन की इथिलीन, एसिटिलीन की इथिलीन, आप इसको एसिड भी बोलते हो ना, एसिड भी बोलते हो, एब्सिसिक एसिड भी बोलते हो, राइट, बट एसिड इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हेन यू से एब्सिसिक एसिड, यानी कि वो रोक रहा है किसी चीज को, वो सीड को सीड के स्टेज से प्लांट के स्टेज में आने से रोक रहा है, दैट इज द ट्री, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिखा दिया जाए करेक्ट आंसर, एंड इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथिलीन एंड नॉट एसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इथिलीन गैस, द नेक्स्ट इज द कंट्री। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, जब पत्ते गिरते हैं ना पेड़ से, पेड़ है उसमें से पत्ते गिर गए पीले होके, येल्लो होके पत्ते गिर गए, उसके पीछे भी इसका हाथ है, ठीक है।
द कंट्री विच हैज़ डिसाइडेड टू लिफ्ट बैन ऑन राइस इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया इन मे 2015 इज़. ये क्या है? ये 2015 के आरआरबी जेई का साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन है. तो देखिए, चाइना जो है वो खुद से ही बहुत ज़्यादा राइस उगाने वाला है और वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो उसको राइस का ज़्यादा ज़रूरत भी है. इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर राइस फॉर दैट रीज़न, राइट? ज़रूरत है. बट इसके लिए वो इंडिया से क्यों, हम पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं मेड इन चाइना माल, हम इंडिया से क्यों ले? लग गया उन लोगों को. तो उन लोगों ने इस पे रोक लगा रखा था, बैन लगा रखा था, जो 2015 में उठा दिया गया था. एंड दैट इज़ द क्वेश्चन, लिफ्ट बैन ऑन राइस इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, चाइना लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वेरी गुड. बट द करेक्ट आंसर इज योर, किसने लिफ्ट किया था? ईरान ने इसको लिफ्ट किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसका एक बार रीसेंट करंट अफेयर्स में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका एक बार रीसेंट करंट अफेयर्स में से इस चीज़ को दोबारा से देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फर्स्ट यूज बाई, सबसे पहले आर्टिफिशियल, देखिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो ये है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार आ सकते हैं, कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं. तो सबसे पहले किसने दिया था? कार्लोस लिनियोस ने सबसे पहले दिया था, जिसको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं. तो वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? लिनियोस ने. लेकिन इन्होंने, कार्लोस लिनियोस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर ने दिया था. बट हमें तो ये पूछा है सबसे पहले किसने दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज लिनियस ने दिया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी डिप्रेशेंट. अब देखिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि आप डे टू डे लाइफ में कुछ मेडिसिन यूज करते हो, मेडिसिन यूज करते हो, जिसमें से सबसे पहले है आपका, मान लीजिए पैरासिटामोल यूज कर रहे हैं कोई, मान लीजिए पेन रिलीफ के लिए पेन किलर यूज़ कर रहा है कोई, गैस्ट्रिक के लिए इनो वगैरह, या फिर कोई भी आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट के लिए डॉक्टर देता है, ये खुद से लेने वाला नहीं है, डॉक्टर देता है, जिसमें बुप्रोपियन का आपका जो है एक उसका सब डिविजन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसके अंदर, उस कैटेगरी के अंदर आने वाला आपका कोई भी एक चीज़ हो सकता है, जैसे बोरोलिन, बोरो प्लस, बोरो जो भी आपका ऐसा है, तो वो बोरोन कंपाउंड वाले हैं. उसी तरीके से बुप्रोपीन से रिलेटेड कोई भी उसका एक आपका मेडिसिन हो सकता है, राइट? तो दी जितने लोगों ने भी लिखा, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले मेडिसिन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The orange color of carrot is because of, carrot में जो orange, carrot, carotenoid हम लोग normally भी कहते हैं, तो ये आपको पूछा गया है कि carrot में use होने वाला जो आपका pigment है, जो pigment है उसका नाम क्या है. तो normally आप क्या कहते हो? carrot के साथ ही कहते हो carotenoid. So what will be your correct answer? Option में क्या क्या है? The orange color of carrot is because it grows in soil. सब लोग soil में ही grow करते हैं. Not exposed to sunlight, तब तो आपका जो लहसुन है वो भी ऐसा ही होना चाहिए था. Entire plant is not orange in color. नीचे orange आपको दिखता है और ऊपर जो है वहाँ से, है ना? So the correct answer is option number B, that is carotin. देखिए, एक चीज़ समझिए, चाइना खुद ही बहुत ज़्यादा rice cultivation करता है. ठीक है, तो ईरान ने हम पे लोक लगा रखा था और ईरान ने उसको जो है हटा लिया था. ठीक है, तो उसका आंसर क्या है आपका? ईरान है, ईरान ने इस पे इसको हटा दिया था. ठीक है, और इंडिया जो है वो वैसे भी बहुत सारे बासमती राइस, जितना भी यहाँ पे उगता है, उत्तराखंड का बासमती राइस, सब वैसे भी आपका एक्सपोर्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मायोपिया इज द डिफीट ऑफ आईज विच इज ऑल्सो नोन एज. अब इसीलिए तो हम कहते हैं भारत माता, क्योंकि यहाँ पे खाना उगता है और एक्सपोर्ट
करते हैं और बाकी लोग को खाना खरीदना पड़ता है, क्योंकि तेल तो आप खा नहीं सकते हो, है ना। और लेकिन हमें आपसे तेल खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे तो उगता नहीं है, राइट, है नहीं। सो मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आइस। तो चार डिफेक्ट्स में से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि मायोपिया में आपको पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता, ठीक है, दूर का नहीं दिखता। सो नियर साइटेडनेस, नियर का तो दिखता है कम से कम, सो इट इज नियर साइटेडनेस। सिंपल है ये ट्रिक, सबको याद रखेगा, है ना, सबको ये ट्रिक याद रहेगा। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर, नियर साइटेडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। नाउ यू ऑल नो दैट इंडिया के केस में, दो नाम याद रखिएगा, अगर सिर्फ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, ये नाम आपको इंडिया के केस में याद रखना है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के केस में, एम एस स्वामीनाथन। ओवरऑल अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, देन योर आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे सब लोग केक खा रहे हैं तो मेरा वाला केक का पीस भी जरूर बचा के रखना है, ऐसा हम बोल के रख देते हैं, है ना। ओके, केक कटिंग हुआ था ना, सबने देखा था, तो वो केक उसके बाद कट हुआ था। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ओवरऑल पूछा है। अगर इंडिया के लिए पूछा होता तो आंसर क्या होता, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस तीन चार पूछे जा सकते हैं, क्या क्या, नंबर वन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आंसर क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो आपका एक वंश से दूसरे वंश, जो आपका हैंड मी डाउन होता है, एक तो कपड़े हो सकते हैं, दूसरा जीन्स हो सकता है, वो क्या है। सो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज योर, क्लियर है। तीसरा क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इधर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जितने लोगों ने भी लिखा है बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर दिखा दिया जाए बोर्ड पे और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन, प्लीज रिमेंबर डी इसका आंसर होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी नहीं होगा, डी होगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो आज हमारे पास यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस थे, कोई बात नहीं। कल जो है आपका मॉक टेस्ट, आप ये बताइए कल सब लोग मॉक टेस्ट करने के लिए रेडी है और यू वांट द मॉक टेस्ट टू बी ऑन मंडे, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया है तो फिर आज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कल हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। बट सिंस टुडे यू हैव टू डू द 6 hours बैक टू बैक क्लास ऑल्सो, सो आई बिलीव दैट वी शुड डू इट ऑन मंडे। ओके, वी शुड डू इट ऑन मंडे एट 1 PM, वी विल डू द RRB JEE मॉक टेस्ट। ओके, आई बिलीव दिस विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, तो हम लोग इसको करते हैं। तब तक आप लोग इसको एक बार रिविजन कर सकते हैं, तब तक आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आज नाइट, आज रात जो है 11 PM से मॉर्निंग 5 AM तक 6 hours कंटिन्यूस हम यहाँ पे आपके साथ लाइव क्लासेस करेंगे, सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे 11 PM से 5 AM तक 6 hours बैक टू ब्लैक। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का कंप्लीट क्लास होगा और कंप्लीट क्लास में आप हम यहाँ पे मॉडर्न इंडिया पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सो दिस विल बी वेरी मच एसेंशियल फॉर SSC, CGL, CHSL एंड ऑल अदर examinations दैट यू आर गोइंग टू appear, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास, आई होप टू सी यू कि पूरी रात आप जग के हमारे साथ ये क्लास करें, क्योंकि जितना इस क्लास को प्यार मिलेगा उतना हम इन सीरीज़ को, इन जो छोटे छोटे ये जो क्लिप्स होते हैं, जो सीरीज़ होते हैं 6 hours का जो कंटिन्यूस क्लास, ऐसे चीज़ों को हम आपके साथ
कंटिन्यू करेंगे प्रोवाइडेड यू शो योर लव इन दिस शिक्षा सेशन. आप भी जगो, आप भी पढ़ो, दैट इज द मोटिव, राइट. चलिए तो आज के लिए इतना ही. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विल सी यू अगेन एट 11 PM. ओके, बाय बाय.